हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 1.6। वेरीफाई द प्रॉपर्टी एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई एक्स बाई टेकिंग दिस। हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और उसमें ये जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्लेस करनी है। ये क्यूमिटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है उसी के अकॉर्डिंगली है। इंटरचेंज करके भी हमने देखना है दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे लिखेंगे और उसमें ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्लेस करेंगे। माइनस वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई टू अपॉन सेवन, ये एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे भी पहले वाई की वैल्यू और फिर एक्स की वैल्यू। अब इनके बीच में कोई भी कटिंग नहीं हो रही है, दैट्स मीन कि हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। टू वन ज़ा टू एंड थ्री सेवन ज़ा 21। एंड इन राइट हैंड साइड भी टू वन ज़ा टू एंड सेवन थ्री ज़ा 21। ओके, देयर फॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर सेकेंड। वेरीफाई द प्रॉपर्टी एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एसोशिएटिविटी। एंड यहाँ पे भी वैल्यू गिवन है और ये सारी वैल्यू इसमें गिवन एक्सप्रेशन में रिप्लेस करनी है और देखना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों इक्वल आते हैं। वेरीफाई में तो वैसे भी इक्वल होना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो मीन्स आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। एक्स मल्टीप्लाई दिस वाई मल्टीप्लाई जेड एंड एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, तो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंगली। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव एंड माइनस सेवन माइनस फोर, माइनस माइनस कट हो जाएगा, रह जाएगा सेवन और फोर। सेवन वन ज़ा सेवन एंड फोर वन ज़ा फोर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, वन सेवन ज़ा सेवन, टू फोर ज़ा एट। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अब ये दोनों हैं, फर्स्ट टू टर्म जो है कंबाइन की हुई हैं, तो पहले इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं हो रही है, कोई एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो मींस हमने मल्टीप्लाई करना है। वन इंटू फाइव फाइव एंड टू फोर ज़ा एट। एंड यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइन प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस सेवन अपॉन फाइव। अब यहाँ पे ये दोनों साइन कट हो गए, ठीक है, माइनस माइनस कट हो गया एंड फाइव वन ज़ा फाइव वन ज़ा और रह गया सेवन अपॉन एट। देयर फॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और एक बात कि जैसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आ जाता है, जैसे यहाँ पे आया एक पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, तो इसमें ये नहीं देखना कि ग्रेटर नंबर है इसलिए हम यहाँ पे साइन लगा रहे हैं। मल्टीप्लाई में सीधा हम देखते हैं कि उनके कम्बिनेशन से जो साइन बनेगा वही हमने लगाना है। जैसे प्लस माइनस तो माइनस, अगर माइनस यहाँ पे होता प्लस यहाँ पे होता तो फिर भी वही बनना था, प्लस माइनस माइनस। ये नहीं है कि ग्रेटर नंबर हो तभी माइनस लगना है। ओके, नेक्स्ट सम नंबर थर्ड। इसके मैंने पार्ट्स मार्क किए हुए हैं, वो आप लोगों ने करने बाद में, एक एक पार्ट मैं करवा रही हूँ अभी। सम नंबर थर्ड, वेरीफाई द प्रॉपर्टी एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई जेड। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इसको हमने यहाँ पर यूज़ करना है और ये गिवन जो वैल्यू है इसमें रिप्लेस करेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, ये जो वैल्यू है ये इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस करेंगे एंड माइनस थ्री अपॉन सेवन मल्टीप्लाई ट्वेल्व अपॉन थ्री प्लस माइनस फाइव अपॉन सिक्स। तो यहाँ पे जो साइन है प्लस का साइन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कटिंग नहीं करनी, अब हमने एलसीएम लेना है। थ्री और सिक्स दोनों का एलसीएम आएगा 78, 78 को 13 से डिवाइड किया 6 एंड 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 72। आफ्टर दैट 78 इज़ डिवाइडेड बाय 6 एंड वी गेट 13 एंड 13 फाइव ज़ा 65। ओके, और फिर माइनस किया इसको और माइनस करके आ गया 7/78। तो यहाँ पे ये बाहर जो है इसका मल्टीपल है, क्योंकि जब सॉल्व हो जाता है सिंगल फ्रैक्शन बन जाता है तो फिर हमने ब्रैकेट रिमूव कर देनी है। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए कटिंग करेंगे, एलसीएम नहीं लेना। 7/7/7 और यहाँ पे 3/3/26 और 1/26 आ गया। ओके, नेक्स्ट है इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या किया हुआ उन्होंने, पहले एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस, फिर एक्स को सेवन से मल्टी जेड से मल्टीप्लाई किया है।
तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस की है। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लाई है, इधर भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे प्लस है। ये नहीं कि आपने इन दोनों का एलसीएम स्टार्ट कर देना लेना, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंगली पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। इसलिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को। अब इनके बीच में अगर कटिंग हो रही है तो कर देना, अगर नहीं हो रही तो आपने मल्टीप्लाई कर देना न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 12 3 36 एंड 13 7 91 और प्लस माइनस माइनस। फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ पे जैसे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपने ये नहीं देखना कि ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। मल्टीप्लाई है इसलिए जब दो साइन होते हैं तो उनको भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके कम्बिनेशन से जो जैसे साइन बनता है वैसे डालते हैं, ग्रेटर स्मॉलर नंबर नहीं देखना होता इसमें। और यहाँ पे -3/7 यहाँ पे भी इसकी कटिंग हो रही है, 3 1 3 2 6 और माइनस दोनों हैं ऊपर, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस कट करना तो कट कर लेना, तो 5 1 5 7 2 14। इसके बाद अब ये जो सिंगल रैशनल नंबर्स आए हैं हमारे पास, इनके बीच में माइनस और प्लस का साइन ही रह गया, मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसीलिए इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके। तो यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम आएगा 182। ये मैंने साइड पे किया है, पहले 7 पे जाएगा, 7 13 7 2 14, उसके बाद 13 13 पे जाएगा, 2 2 पे, तो मैंने एसटीज रहने दिया, 13 7 91 91 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 182। अब 182 को पहले हम 91 से डिवाइड करेंगे, जब 91 से डिवाइड करेंगे आएगा हमारे पास 2, उस 2 को हमने 36 से मल्टीप्लाई करना है एंड वी गेट -72। एंड 182 को डिवाइड करेंगे 14 से और हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 182 को 14 से डिवाइड किया हमारे पास आया 13, एंड 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड जब 5 से मल्टीप्लाई किया 65, प्लस माइनस माइनस 72 में से 65 माइनस किए 7, ग्रेटर नंबर नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव। अब ये 7 के टेबल पे इसकी कटिंग हो रही है, 7 1 7 7 2 14 एंड 4 इज़ लेफ्ट 42, 7 6 42 26, तो यहाँ पे दोनों साइड जो है इक्वल हो गए हैं, क्लियर। ओके, सम नंबर 4, सी द स्टेटमेंट, यूज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर ओवर देयर एडिशन टू सिंप्लीफाई। तो बोला तो उन्होंने एडिशन है, लेकिन बीच में दो पार्ट्स सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली भी दिए हैं, दो एडिशन के अकॉर्डिंगली भी दिए हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये वाली प्रॉपर्टी है, एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड। तो उन्होंने हमें ये वाली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दी है, और हमने इसको अगर डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो हमने इसको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। मीन्स पहले एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स को जेड से, तो सिमिलरली 3/3/5 है, तो इसको पहले 35/24 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10/1 से। ओके, लेट्स सी, 3/5 मल्टीप्लाई दिस, यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व करना है, एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई जेड। यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई 35/24, फिर इसी टर्म को बाहर वाली जो टर्म है उसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। सिमिलरली पहले हमने बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंगली इनके बीच में कटिंग करनी है, अगर हो रही है तो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देना है, 3 1 3 8 5 1 5 7, इधर 5 1 5 2। अब यहाँ पे आ गया 7/8 और यहाँ पे 6/5, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 1 × 7 7, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा लिया था, तो मीन्स 1 1 1 1, तो 8 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 ही आएगा, एंड 8 × 6 48, ओके, एंड 48 + 7 55/8, ओके। तो इसमें अगर जैसे माइनस वाला पार्ट आएगा तो आपने जस्ट यहाँ पे माइनस डालना है, बाकी हो जाएगा सारा, तो लास्ट में जाके आपने माइनस करना है, बाकी सेम प्रोसीजर है ऐसे, ठीक है। तो आपने मैंने पार्ट्स मार्क किए हुए हैं, वो आप लोगों ने करने हैं अपनी फेयर नोटबुक पे। ओके, थैंक यू।